अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल में आलू के मज़ेदार से स्नैक्स, जो कि 10 मिनट में तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इसको इस तरह से क्यूब्स की शेप में काट लिया है और इसको पानी में भिगो दिया ताकि वो काले ना पड़े। यहाँ पर आलू को हमने उबालना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम आलू को उबालेंगे। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पानी को गर्म रख दूंगी, 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू डाल देंगे। तो पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी। आलू यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे मैं उतार लूंगी चूल्हे से और इसका पानी निकाल कर इसे छान लेंगे। तो आलू को जो है हमने बॉईल कर लिया है। तो मैं कुछ मसाले डाल लूंगी, जिसमें है आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। नमक बॉईल करते वक्त भी मैंने डाला था तो अब मैं कम रख रही हूँ नमक। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए चावलों वाला चमचा मैंने ले लिया, इस तरह से फैला देंगे इस पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं फ्राई पैन में डाल दूंगी। देखिए अब इसको इस तरह से पलट देंगे। इसको पलट के आपने दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो चुके हैं और मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने देखा कि कितनी झटपट से तैयार हो गए हमारे ये आलू के स्नैक्स। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, रमजान में इफ्तारी के टाइम भी बनाकर खा सकते हैं, साथ में अगर शाम के वक्त अगर मेहमान आ जाते हैं या शाम को भी खाना हो तो इसे चाय के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से आलू की ये स्नैक्स की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।